नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अचूक और सर्वश्रेष्ठ उपाय शीघ्र विवाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने से जो भी विवाह में आ रही है परेशानियाँ, वो सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं और शीघ्र विवाह की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो ये जो विवाह के लिए उपाय है वो आपके लिए बहुत उत्तम उपाय है। और अगर कोई माता पिता है जो उनकी लड़की के लिए वर नहीं मिल रहा है योग्य, तो भी ये उपाय उनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अगर वो उपाय ये करवाते हैं अपनी लड़की से, तो इस उपाय के द्वारा उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। दोस्तों, क्या होता है, कई बार वर मिल जाता है पर परिवार अच्छा नहीं मिलता है, इस वजह से रिश्ता टूट जाता है। या कई बार परिवार बहुत अच्छा मिल जाता है लेकिन लड़के में कोई ना कोई कमी होती है, जिसकी वजह से भी शादी नहीं हो पाती है। इस तरह से सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से शादी में रुकावट आती रहती है। ग्रहों की वजह से भी शादी में बहुत ज़्यादा रुकावट आती है। तो एक बार अपनी कन्या की जन्म कुंडली आप किसी अच्छे विद्वान ज्योतिष को ज़रूर दिखा लें, और जो भी ग्रह दोष हो उनकी जन्म कुंडली में, उसका निवारण आप ज्योतिष से पूछकर और ज़रूर करवाएं। दोस्तों, अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं और अगर परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, और आपका जो जीवन साथी जिसे आप पाना चाहते हैं वो अगर सुयोग्य है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। चाहे आप मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो भी ये जो उपाय है वो बहुत अच्छा है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है ये उपाय। और इस वीडियो को पूरा देखें, कैसे करना है ये उपाय ज़रूर जानें और इन उपायों को करके इनसे लाभ प्राप्त करें। दोस्तों, बात करते हैं कि कौन सा उपाय करना है जिससे कि आपकी शादी में आ रही सभी बाधाएँ दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इसमें मैं दो उपाय आपको बताने वाली हूँ, और आप अगर दोनों उपाय एक साथ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप कोई एक उपाय भी कर सकते हैं अगर आप दोनों नहीं करना चाहते हैं तो। पहला उपाय है माता वैभव लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। माता वैभव लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से जो आपको वर की प्राप्ति होगी, वो संपन्न वर की प्राप्ति होगी, योग्य वर की प्राप्ति होगी, और आर्थिक रूप से संपन्न और मानसिक रूप से एकदम जो कहते हैं ना सुयोग्य वर, वो सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। इसलिए वैभव लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। और माता लक्ष्मी जो है, वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है, तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन व्रत की शुरुआत आप संकल्प लेकर करें कि आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करना है, या आप मनपसंद जीवन साथी के प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना चाहते हैं। संकल्प लें इस व्रत का शुक्रवार के दिन, और उसके बाद इस व्रत की आपको शुरुआत करनी चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए, मन चाहे जीवन साथी के लिए, आपको 11 शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना है। शुक्रवार के दिन शाम के समय माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है, आराधना उनकी विधिवत करें आप। और प्रत्येक शुक्रवार को आपको खीर का भोग लगाना है माँ वैभव लक्ष्मी को, और खीर में आपको केसर जरूर डालना है। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प बहुत पसंद है, तो लाल पुष्प अर्पित करें। और शाम के समय पूजा में कलावे की बत्ती से दीपक जलाएं, रुई की बत्ती से नहीं, कलावे की बत्ती, जो कच्चे सूत होते हैं लाल रंग का, जो हाथों में बांधा जाता है वो होता है कलावा, उसकी बत्ती से आपको दीपक जलाना है। और प्रत्येक शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी से ये प्रार्थना करनी है कि आपको सुयोग्य और मनपसंद जीवन साथी मिले और संपन्न जीवन साथी मिले, आपका विवाह शीघ्र हो। इस बात के लिए आप माँ वैभव लक्ष्मी से प्रार्थना करें। और बाकी सभी विधि दोस्तों उस पुस्तक में होती है, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ। 11 शुक्रवार व्रत करें आप, उसके बाद 12वें शुक्रवार को इस व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन के दिन आपको 7 कुमारी कन्या या सुहागिनी स्त्रियों को घर पर बुलाना है। पूजा आपको जैसे आप हर शुक्रवार को करते हैं बिल्कुल वैसे ही करनी है, और ये स्त्रियाँ 7 और या कुमारी कन्या जो भी पॉसिबल हो आप उन्हें घर पर बुलाएँ, उन्हें भोजन कराएँ, और उन्हें वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक और सुहाग सामग्री दान में करें। और इस तरह से आप माँ वैभव लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपको वो सुयोग्य और मनपसंद जीवन साथी प्रदान करें, तो बहुत ही शीघ्र आपके विवाह में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो दूर हो जाती है और विवाह शीघ्र हो जाता है।
दूसरा उपाय है कात्यायनी माता की आराधना करने से विवाह में आ रही जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों, कात्यायनी माता व्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने भी उनकी पूजा की थी भगवान कृष्ण के साथ अपना प्रेम संबंध बनाने के लिए। तो इस तरह से कात्यायनी माता की पूजा करने से विवाह में जो भी परेशानियां आ रही होती हैं, प्रेम विवाह में विशेषकर कोई परेशानी आ रही होती है, तो उसमें बहुत जल्दी आपको फायदा मिलता है अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, विवाह में आ रही किसी भी तरह की परेशानी हो, या परिवार या लड़का अच्छा नहीं मिल रहा हो, या सुयोग्य नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे में अगर माता कात्यायनी की आराधना करें तो बहुत ही सुयोग्य और आर्थिक रूप से संपन्न वर की प्राप्ति होती है। मनपसंद वर से शादी करना चाहते हैं तो माता कात्यायनी की कृपा से आपको मनपसंद जीवन साथी मिलता है। दोस्तों, इस मंत्र के जाप की का नियम है कि 1.25 लाख अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका विवाह शीघ्र हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में विवाह के योग नहीं भी बन रहे हैं तो भी माता कात्यायनी के इस अनुष्ठान से, इस पूजा से शीघ्र विवाह हो जाता है और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। और कन्या के विवाह में जो भी बाधा आ रही है उसके लिए माँ कात्यायनी की पूजा एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही अचूक उपाय है। माँ कात्यायनी के मंत्र की उपासना से योग्य और मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है और विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा, आइए जानते हैं। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली वेला में की जाती है, यानी शाम के समय, जो शाम का जो समय होता है जिसमें दिन और शाम रात का समन्वय होता है, जो जिस समय में प्रदोष काल कहा जाता है, जिस समय को, जिस समय में हम घर में रेगुलरली दिया जलाते हैं, वो समय होता है गोधूली वेला का समय। उस समय में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए माता कात्यायनी का एक चित्र या यंत्र, उसे स्थापित करें अपने पूजा स्थान में। और यदि माता कात्यायनी का चित्र उपलब्ध ना हो आपके पास तो आप माँ दुर्गा की तस्वीर या श्री यंत्र भी वहाँ पर रख सकते हैं। माँ दुर्गा की तस्वीर भी आप इस जगह पर रखकर उनके सामने आप संकल्प लेकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के ही सभी स्वरूप हैं और माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी का स्वरूप। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो आप दुर्गा जी की तस्वीर रखें या श्री यंत्र रखें और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। माँ कात्यायनी की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य से विधिवत माँ कात्यायनी की पूजा करें, आराधना करें। माँ को पीले फूल बहुत पसंद हैं और माँ को पीले मिठाई का ही भोग लगता है, तो पीले फूल और पीले मिठाई माँ को भोग लगाएं, माँ को शहद का भोग लगाएं और साबुत हल्दी की 3 गांठें माँ को अर्पित करें। इस तरह पूजा के बाद आप संकल्प लें कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं। दोस्तों, संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, बिना संकल्प के मंत्र जाप का प्रभाव कम हो जाता है। मिलता तो है मगर उतना नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। इसलिए मंत्र का प्रभाव अगर आपको संपूर्ण चाहिए, उसका फल आपको संपूर्ण चाहिए, तो आप पहले संकल्प लें कि किस वजह से आप किस काम के लिए उस मंत्र को कर रहे हैं, तभी आपको उसका फल प्राप्त होता है। दोस्तों, संकल्प लेने के लिए माँ कात्यायनी की मूर्ति के सामने या दुर्गा जी की चित्र के सामने आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, दीपक जलाकर और उसके बाद आप हाथ में जल लें और फूल लें और फिर उनका वहाँ पर संकल्प लें आप कि हे माँ, मैं शीघ्र विवाह के लिए या मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप कर रही हूँ, तो मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें, मेरा विवाह शीघ्र हो और योग्य और सुयोग्य जीवन साथी मुझे मिले, इस बात के लिए आप माँ कात्यायनी से प्रार्थना करें। इसके बाद आप अपने जप की शुरुआत करें। जाप आपको 1.25 लाख करना है, इसलिए प्रतिदिन आप कितनी मात्रा में जाप कर सकती हैं इसके अनुसार संकल्प लें। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देही पति मे कुरुते नमः। ये मंत्र है और इस मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन करना है। जप संख्या आप निर्धारित कर लें, 5 माला आप करना चाहती हैं, 11 माला करना चाहती हैं, या आप इससे अधिक कर सकती हैं। जितना आप कर सकती हैं उतना प्रतिदिन का संकल्प लें, क्योंकि आपको एक ही संख्या में हर रोज ये मंत्र का जाप करना है, संख्या आपको बदलनी नहीं है। अगर आपने पहले दिन 11 माला किया है तो आपको प्रतिदिन 11 माला ही करना है जब तक कि 1.25 लाख पूरा नहीं हो जाता है।
समय निर्धारित कर लें कि किस समय में आप जाप करेंगी। एक ही समय में इस मंत्र का जाप करना है, यानी आपको जप संख्या और जप का समय, जप का स्थान बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। प्रतिदिन आप इन चीज़ों में बदलाव नहीं करें। जब आप पूजा कर रही हों, जब आप जाप कर रहे हों, तो पीले वस्त्र धारण करें और पीले आसन पर बैठ कर ही पूजा करें। जब तक आप ये जप कर रहे हैं दोस्तों, आपको भोजन एकदम सात्विक होना चाहिए। भोजन सात्विक का मतलब होता है कि आपके भोजन में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन इस दौरान नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप इसमें सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको इस मंत्र का प्रभाव बहुत जल्दी मिलता है। दोस्तों इसके साथ ही आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है। जैसे आपको प्रतिदिन स्नान वाले पानी में, जिस पानी में आप स्नान करें, उस बाल्टी में आप एक चुटकी हल्दी डाल लें और फिर आप स्नान करें। और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में, केले के पेड़ की पूजा करें और केले के पेड़ में आप जल में हल्दी मिला लें और चने की दाल डालकर उस जल के अंदर ही और केले के पेड़ में अर्पित करें। और उसके पास एक दीपक जरूर जलाएं, केले के पेड़ के पास एक दीपक जलाएं शुद्ध घी का। ये आपको हर बृहस्पतिवार को करना है। और हल्दी आपको प्रतिदिन अपने नहाने के पानी में डालना है। ये तब तक करें उपाय जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जाती है या जब तक आपकी शादी की संभावना नहीं बन जाती है। जितना आप ज़्यादा समय इसको कर सकते हैं, शादी के बाद आपको इसको करने की आवश्यकता नहीं है। शादी से पहले आप इन सभी चीज़ों को जरूर फॉलो करें। और जब आपकी जप संख्या 1,25,000 हो जाए कात्यायनी माता के मंत्र की, तो इसका दशांश आप हवन करवाएं, किसी योग्य ब्राह्मण से हवन करवाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको दान दक्षिणा दें। आप अगर स्वयं ये जाप नहीं कर सकते हैं तो ये अनुष्ठान आप किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि समय नहीं होता है या उच्चारण में कोई प्रॉब्लम हो जाए या समय बहुत अधिक लगता है जब हम स्वयं करते हैं, तो इस वजह से आप किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं। योग्य विद्वान ब्राह्मण, आप उनको बोले, संकल्प लेकर आपके लिए वो जप कर देंगे और आपका काम बहुत ही शीघ्र हो जाता है। दोस्तों माँ कात्यायनी के इस मंत्र से, जो भी इस मंत्र का जाप करता है, इसके प्रभाव से जो भी बाधाएं हैं आपकी शादी में, चाहे वो आपके जन्म कुंडली से रिलेटेड हो या किसी भी वजह से रिलेटेड हो, वो दूर हो जाती हैं। और ये सभी उपाय दोस्तों बहुत चमत्कारी हैं और बहुत अचूक उपाय हैं। इन्हें करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको इन उपायों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। माँ कात्यायनी पर, माँ वैभव लक्ष्मी पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आपने जो ये व्रत किया है या आपने जो ये मंत्र जाप किया है, जो उनकी आराधना की है, तो ये निष्फल नहीं जाएगी और इसका प्रभाव आपको ज़रूर मिलेगा और आपके साथ आपका जो विवाह होगा वो बहुत ही उत्तम होगा। इन उपायों को करने से आपको योग्य और संपन्न जीवन साथी की प्राप्ति होगी। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी, मनपसंद जीवन साथी मिलेगा, वैवाहिक जीवन सुखी और संपन्न रहेगा। ये दोनों उपाय आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, वैभव लक्ष्मी का व्रत भी और माँ कात्यायनी का मंत्र भी। पर अगर आप ये दोनों उपाय एक साथ नहीं करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई एक उपाय भी करें तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। अगर आप दोनों उपाय करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी, आपके विवाह के योग बनते हैं। लेकिन आप एक भी कर सकते हैं, जैसा आपसे हो जाए वैसा आप करें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज के जो उपाय मैंने बताए हैं इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आप इन उपायों को ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।